गोवा के चुनावी नतीजों में भले ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही हो, लेकिन प्रदेश में उसकी सरकार बन सकती है। राज्य में 13 सीटें जीतने वाली भाजपा रविवार को ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी को छोटी पार्टियों और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की गोवा के सीएम के रूप में वापसी हो सकती है। चुनाव में 3-3 सीट हासिल करने वाली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड फ्रंट के अलावा दो निर्दलीय के समर्थन का बीजेपी दावा पेश कर सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी सिलसिले में गोवा पहुंच गए हैं। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर फिर सीएम पद संभाल सकते हैं। खुद पर्रिकर ने भी चुनावी नतीजों के बाद इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो तय करती है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो पार्टी कहेगी उसे मैं मानूंगा। इसके साथ ही पर्रिकर ने कहा कि भले ही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, लेकिन प्रदेश में उनकी सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। Been voted, including independent. So we await their response also. It's a fractured mandate, and let's see what happens. Vote percentage wise, we have got more than 5% extra votes than the. In spite of contesting less seats, we have got more percentage votes than the other. It was not a. It's luck factor that we didn't manage to get more number of seats. So ultimately, no one has got the majority. Obviously, the other parties who are there, they have to be consulted. We are definitely in consultation with them. And if they agree, things can work out. If need be, you are ready to play the constructive opposition party? We are ready for everything. But important thing is, since people have not given a clear verdict, all will have to be taken on board. We don't try to pass on the buck. Everyone, including me, accepts the responsibility if there is a reduction in the number of MLAs. The political setup in Goa has succeeded from 0 to 21. We will rise from this number of 13 plus 1 to more than 21 in near future. What went wrong for BJP in this election? I think it is a personal individual incumbency which probably turned the tide in few questions. उधर राज्य में सबसे ज्यादा 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। इससे ये साफ है कि कांग्रेस भी राज्य में सत्ता पर काबिज होने की पेशकश करेगी। गौरतलब है कि 40 सीटों की गोवा विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 21 सीटों का बहुमत हासिल करना होगा।